रैपिड एक्शन फोर्स व पुलिस बल ने किया नगर भ्रमण। आज आमेर थाना क्षेत्र में भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार लालदास जयपुर में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स RAF की बटालियन के कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं श्रवण लाल मीना के नेतृत्व में C-83 बटालियन की एक प्लाटून टुकड़ी द्वारा सोमवार को नगर में भ्रमण किया, जिसके साथ देवेंद्र सिंह देवाल थानाधिकारी थाना आमेट एवं अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ मिलकर संवेदनशील क्षेत्रों में परिचित अभ्यास किया तथा आमेट पुलिस के साथ मिलकर थाना से रवाना होकर बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड, गणेश चौक, होलीथान, राम चौक, तकिया रोड, लक्ष्मी बाजार आदि कस्बे के संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्रों फ्लैग मार्च किया, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उस स्थान इलाके में तुरंत पहुंचकर शीघ्र तथा प्रभावी कार्रवाई की जा सके। परिचय अभ्यास के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा किए गए परिचय अभ्यारण्य की जानकारी देते हुए श्रवण लाल मीणा सहायक कमांडेंट 83 बटालियन ने बताया कि परिचय अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगहों तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा तथा सूची तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति होने या प्राकृतिक आपदा होने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण एवं कार्रवाई की जा सके। इस अभ्यास के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर महाप्राकृतिक आपदा, सामाजिक परिवेश, समाज में अशांत उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारणों का गहन अध्ययन कर डाटा एकत्रित किया जा सके, जिसमें विशेष परिस्थितियों में दूत कार्य बल शांति व्यवस्था बनाने में त्वरित मदद कर सके। परिचय अभ्यास में निरीक्षक GD प्रमोद कुमार यादव, उप निरीक्षक महेंद्र सिंह, सटनी हरेंद्र सिंह, सावनी SK जाफर मोहम्मद आदि अतिरिक्त बल के अन्य अधीनस्थ अधिकारी एवं बल के अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। उक्त जानकारी परिचित अभ्यास कमांडेंट श्रवण लाल मीरा सहायक कमांडेंट ने दी। आज निकली आमेट में क्या मकसद है इसका, क्या है आप बताएंगे? ये हमारा कैंप भारत सरकार के आदेश अनुसार और कमांडेंट श्री प्रवीण कुमार सिंह जो हमारे कमांडेंट है T-3 RAF के, हमारे मुख्यालय जयपुर से एक प्लाटून लेकर के और मैं यहाँ पे परिचित अभ्यास के लिए आया हूँ, ताकि जरूरत पड़ने पर हम यहाँ पे त्वरित कार्रवाई कर सके, पहुँच सके। किसी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा होने पर, आवश्यकता पड़ने पर या किसी आपदा होने पर हम जल्दी से जल्दी पहुँच करके और इस इलाके में अपनी मदद कर सकें, उसके लिए आए हैं। आज हमारा जो दौर है, आज का हमारा जो फ्लैग मार्च है, वो आमेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ने वाले जो संवेदनशील इलाके हैं, कस्बे हैं और मुख्य बाजार है, उन पर हम फ्लैग मार्च करेंगे और उसके पश्चात हम यहाँ की जो दूसरी चौकी है पुलिस स्टेशन की, उस चौकी में जा करके वहाँ के अंतर्गत पड़ने वाले भी संवेदनशील क्षेत्र में और संवेदनशील मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च करेंगे। धन्यवाद।